देख रहे हैं DAA न्यूज, हजारा का सबसे बड़ा न्यूज चैनल। सर्दियों की आमद, सियाहों की तादाद में कमी, बंदर खुराक की कमी का शिकार, बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम दिन ब दिन सर्द होने लगा। महंगाई, सख्त सर्दी व दीगर अवामिल सियाहों ने शुमाली इलाका जात गिलियाद की तरफ रुख कम कर दिया। मकामी ताजरों के साथ साथ जंगली जानवर खुराक की किल्लत का शिकार होने लगे। मकामी ताजरों ने सियाहों और जिली इंतजामिया से दरख्वास्त की है वो बंदरों के लिए भुट्टे या दीगर गजाई अजनास का बंदोबस्त करें। अक्सर मकामात पर भूख की वजह से बंदर सियाहों और मकामी दुकानों पर हमलावर हो रहे हैं। सर्दी के मौसम में जंगली मखलूक को गजाई किल्लत से महफूज करने के लिए इकदामात वक्त का अहम तकाजा है। छड़ियां बूटे जैसा कहने ना छड़ियां ए ओ पा रहे हैं जी, ए इना भूख लगी दी हुंदी है, ए बड़े दूर से लाने, ये सुबह से गए हुए अभी तक वापस नहीं आए हैं। अभी छली जाके लाई, छली इनको खिलाएंगे, ठीए पे पहुँचाएंगे अपने डेरे पे, तो फिर अपना कारोबार करते हैं। ये आपके साथ होते हैं? ये हमारे नहीं है, ये है तो जंगली मगर ये दूर चले जाते हैं, ये देहात में। अच्छा, तो इनको लाना पड़ता है, देखो ये तीन चार आदमी लाते हैं। तो ये आप इनको ला के क्या करते हैं? ये अपनी मजदूरी करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। हाँ, और छली वगैरह डालते हैं, हमारा भी कारोबार होता है, लोगों का जुआ भी होता है। अच्छा, मतलब लोग आपसे छली लेते हैं, फिर इनको खुलाते खुलाते पिलाते हैं। अच्छा, और क्या चीज ये खाते हैं? और ये केला फ्रूट, ये सेब खाते हैं, आम खाते हैं, केला ज्यादा शौक से खाते हैं। हाँ जी। बाकी ये रोटी नहीं खाते हैं, नमक वाली होती है, इनके बच्चे मर जाते हैं। तो ये जो जिस बर्फबारी के मौसम में इनको खुराक क्या होती है? लोग अगर बर्फ होती है तो हम अपनी जेब से इसको देते हैं, गंदम वगैरह। अच्छा अच्छा, गंदम देते हैं, गंदम वगैरह खाते हैं, तो हमारा भी कारोबार होता है। आप सियाह लोग आते हैं तो उनको खुलाते पिलाते हैं, तो हमारा भी दिन गुजर जाता है, ध्यान लग जाती है, तो इनका भी पेट भरना होता है। अच्छा बाबू जी, अभी आप ये इनको कहाँ से लेकर आए हैं? ये तकरीबन 2-3 किलोमीटर। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, 2-3 किलोमीटर दूर से, वो आगे से। तो इनके सामने आप ये बूटे डाल रहे हैं? ये बूटे डालते हैं ना, तो ये उसके लिए आ रहे हैं आपके साथ। ये देखो कैसे कैसे आ रहे हैं। अभी आपका जो जिस जगह आप बैठते हैं वो कौन सी जगह? ये हमारे वो सामने डेरा है। अच्छा, सामने आप। तो कितनी एक दिहाड़ी आपकी हो जाती है लोग ऐसे खुराक इनके आगे डालते हैं? तो बस हमारा ये छली का कारोबार होता है जी। छली का अपना कारोबार निकाल के, खर्चा निकाल के, कभी 250 होता है, कभी 300 होता है, कभी 400 होता है, कभी 500 होता है। ये लोग मतलब खरीद के डालते हैं? खरीद के आप जैसे लोग आते हैं, सियाह लोग आते हैं, उनको खुलाते पिलाते हैं बड़ी शौक से। अभी ये ऐसे लग रहा है जैसे इनको काफी भूख लगी। ये देखो ना, ये हमारे साथ साथ आपके साथ, ये गाड़ी के साथ ये चलते रहेंगे। आटा, चीनी, सब चीज महंगी, घी महंगा, कोई कारोबार यहाँ नहीं है। तो गवर्नमेंट अपने अपने पड़ी हुई है, एक बोल रहा है वो खा रहा है, दूसरा बोलता है ये खा रहा है। तो ये है कि आवाम बेचारी भूखी मर रही है, तो भूखा नाल जावे नाल मरने लोग, तो इधर गवर्नमेंट आखनी वैसा महंगाई नहीं करती हुई, महंगाई क्या नहीं की हुई। वो आटे नहीं, थैली 2400 रुपये ही नहीं है, चीनी पहन जो 180 रुपये किलो बिकनी, के जड़ा है वो 3500 रुपये ना, 5 किलो डब्बा 4000 ना मिलना। इतने केड़ी महंगाई नहीं, महंगाई उधर नहीं ना, ता के उधर भी नहीं रहा, पंजाब दर पैदा होनी, इधर पैदा नहीं, इधर बर्फबारी अच्छी और मुश्किल हालात है, जंगल है, इधर देहात है, देहातों में जो महंगाई होनी, शहर भी तो महंगाई नहीं, कारोबार इधर कोई ना, कारखाना इधर कोई ना, कोई यही है जी फैक्ट्री नहीं जिधर लोग मजदूरियां करो। मैं हूं फहीम खान बलोच फ्रॉम इस्लामाबाद IAT से। मैं भी पिछले 4 दिन से विजिट पे हूं, यहां पे टूर पे हूं। तो ड्यूरिंग माय टूर जो चीज़ मैंने यहां पे एक दो चीज़ें हैं वो ऑब्ज़र्व किए हैं, तो मैं थोड़ा सा जो है वो अपने जो मतलब के व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक चीज़ है कि यहाँ पे बंदरों को मैंने बहुत भूखा देखा है इस टाइम, जो मैं मतलब कि पिछले 2 घंटे से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने देखा बंदर बहुत भूखे हैं। तो जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको भी चाहिए कि वो उनको कुछ चीज़ें, छली वगैरह जैसे कोई दूसरी चीज़ें खाने की उनको डालें, अगर अपने साथ लेके आए तो थोड़ा सा, क्योंकि हमारे ही मुल्क की ये खूबसूरती इन बंदरों से और ये जो जंगली हयात है इनके तहफ़ से और जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है इन्हीं से ही है, और ऑफ़ कोर्स हम इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए ही आते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को ख्याल करेंगे तो इससे हमारी इखलाकियात और हमारे मुल्क का जो कल्चर है उसको फ़रोग मिलेगा। और अभी आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा है कि बंदर जो है वो बहुत तादाद से नीचे से छलियाँ खा के ऊपर आए हैं,
और अभी भी वो मतलब कि उन्होंने अटैक किया एक दो लोगों के ऊपर भी, तो वो बिकॉज ऑफ द यू नो दे आर हंग्री, सो दैट्स व्हाई यू नो दे आर अटैकिंग ऑन द गाइस हु हैव बीन कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज फॉर द यू नो विजिटिंग दीज प्लेसेस. सो इफ वी विल केयर अबाउट द मंकीज और द एनिमल्स, डेफिनेटली दे विल आल्सो गिव अस रिस्पेक्ट एंड दे विल आल्सो यू नो लिव विद द पीस एंड डिग्निटी. So this is the one thing. And second thing, you know, I have, you know, seen that the lift, chair lift for the Ayubia has been not started yet. So I just request to GDA, the Galyar Development Authority, that please open this one so that we can also enjoy the chair lift, because from last 1 year it has been, you know, closed and it has still not started. So I just request to our KPK government that they should also take action on this thing. So as you know that the third thing, that the snow has been also starting, and 2 days before also snow has been taken place on the Shangla top and also taken place in Kuza Gali, and now soon after, day after tomorrow, has been also starting. I just give the suggestion to the guys who have been coming to this, have been coming here to visiting this place, please keep with you the warm clothes and warm shoes and the dry fruits so that you can care the monkeys and yourself and the place of the beauty. To idha baat karne wala hu aur main class 10 ka student hu aur main ye appeal karna chahta hu ki jo abhi sardi hai, स्कूल में सर्दी है और क्लासरूम में बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है. ठंड जल्दी ना सी तो वापस चले जुलने बड़े हवेलियाँ दार उत्थे बस दुआ करनी है कुछ. ये आप देख सकते हैं ये पहाड़ों पर अभी ये जो बर्फ़ पड़ी है ये इसलिए हम बनाते हैं, ये यहाँ पे टूरिज्म वगैरह आते हैं, यहाँ पे घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, इनके साथ सेल्फी वगैरह लेते हैं, और ये साथ में इनके साथ बंदर पॉइंट भी है. हैदराबाद से आए, यहाँ पे इतनी सर्दी है, आप भी आए इंजॉय करें.